अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोभी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस पार्लिमानी कमेटी का इजलास, योम तासीस तकरीब के सिलसिले में लिए गए मुख्तलिफ फैसले, वज़ीर-ए-आला केसीआर ने दी मुख्तलिफ हिदायत। मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी का पत्थरगट्टी और दबीरपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकिफियत। लंगर हाउस पुलिस ने बदनाम जमानत सारिख को गिरफ्तार करते हुए 31.5 तोले तिलाई जेवर और दीगर अशिया मालियती 12 लाख रुपए बरामद कर लिए। चल्लापल्ली जेल वार्डन मसरूख माल खरीदने के इल्जाम में हुआ गिरफ्तार। राजेंद्र नगर पुलिस ने डकैती की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 रॉडी शीटर्स को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस पार्लियामेंट्री कमेटी का एक इजलास टीआरएस भवन में मुनक़िद हुआ, जिसमें 2 जून ता 5 जून तक रियासत की यौम तासीस तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेखाद अमल में लाने के सिलसिले में फैसला किया गया और हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात, बिलखसूस मिशन काकतिया और मिशन भागीरथा पर भी तबादले ख्याल किया गया। उदयपुर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हफ्ते को 3 बजे टीआरएस भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में नायब रियाला मोहम्मद महमूद अली, के श्रीहरी, रियासी वज़रा, राकिन पार्लियामान, राकिन असम्बली के अलावा रुकन खानसाज कौंसिल, पोलिट ब्यूरो मेंबर्स और दीगर ने शिरकत की। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत की जानिब से 2 ता 5 जून रियासत की यौम तासीस तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के सिलसिले में फैसला किया गया। इस पर हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात, जिनमें खासकर मिशन काकतिया, मिशन भागीरथा और ख़वातीन को 3 जून से दिए जाने वाले वज़ाइफ के अलावा 4 जून को दिए जाने वाले केसीआर किट्स पर भी खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर बीजेपी कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने वजीर आबपाशी हरीश राव से कहा है कि वो अंदरून 15 यौम आबपाशी प्रोजेक्ट्स का तखमीना पेश करें, वरना वो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने करोड़ों रुपयों की बदउनवानी की है, जिसका वो अनखरीब सबूत भी पेश करेंगे। बीजेपी कायद ने बताया कि मोदी हुकूमत को सर्टिफिकेट की ज़रूरत महज इसलिए नहीं है क्योंकि आवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ है। सीनियर बीजेपी खायर नागम जनार्दन रेड्डी ने रियासी वजीर आपाशी हरीश राव से मुतालबा किया कि वह अंदरून 15 यौम आपाशी प्रोजेक्ट का तखमीना पेश करें, बसूरत दीगर वो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत 3 साला दौर इख्तदार में कोड़ा रुपयों की बदअनवानी में मुलविस है, जिसका वो अनकरीब सबूत पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत इसलिए नहीं है चूंकि आवाम वज़ीर-ए-आज़म के साथ है, और इसका सबूत हाल ही में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हासिल हो चुका है।
सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से एनडीए हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के 3 साल हर शुबे हयात में नाकाम गुजरे हैं और एनडीए दौर इख्तदार में दहशत गर्दाना सरगर्मियों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एनडीए हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के 3 साल हर शोबे हयात में नाकाम है। उन्होंने बताया कि ख्वातीन का कोई तहफ़ नहीं है, दहशतगर्दी को फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना बिल में रियासत में ट्रिब्यूनल होने का बात कही गई थी और एम्स के क्याम के सिलसिले में जो मंजूरी दी गई थी उस पर ताहाल अमल नहीं किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबिलपुरा और पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल खादरी, मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हमराह थे। मुकामी आवाम ने पानी की सरबराही के सिलसिले में शिकायत की, जिस पर मजलिसी रुकन असम्बली ने तयखुन दिया कि अंदरून 4 यौम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर सरगरम मजलिसी कारकुनान मोहम्मद मुर्तुजाली और सैयद आलमदार वाला जाही के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बल्दी बरखी आबरसानी के उद्देदारों के साथ दौरा किया गया। यहाँ की पानी की शिकायत थी कुछ लोगों को, तो दौरा करके पूरा मुआयना करा के बता दिया गया कि 1-2 रोज में जो भी रेक्टिफाई करके पानी का कुछ प्रेशर कम होने की शिकायत कर रही, प्रेशर बढ़ाना और मैला पानी जा रहा है उसकी शिकायत को दूर करना। पोल्यूशन की बहुत शिकायत है, खुसूसन खतीब की गली में आधा घंटा आ रहा है, आधे घंटे में भी पूरा मैला पानी आ रहा है। कली से कल तो इतवार है, पीर से लेबर लगा के इन मुकामात पे काम करने के लिए बताया। पुराने चौरस्ते, पुराने हवेली चौरस्ते के पास एक कदीम मस्जिद है, इस्माइल खान बख्शी मस्जिद, उस मस्जिद में भी अरसे दराज से पानी रुका हुआ है। नई पाइपलाइन, नया कनेक्शन देके उनको पानी देना और ड्रेनेज का सिस्टम भी दुरुस्त करना है, ये दोनों काम बताए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसकी कोशिश करके वो कामों को तकमील करेंगे ताकि रमजान के महीने में मुसल्लियों को, रोजदारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मुमकिन तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बल्दी बरती आपरसानी मसाइल से लोगों को कोई दुश्वारी ना हो, इसलिए 1-4 दिन पहले ये शिकायत वसूल हुई थी। अगर जरा वक्त से पहले होती तो अब तक वो काम की तकमील होती थी। बहरहाल वक्त है, जो भी काम का मुकर्रर है वो वक्त पे काम होगा। यहाँ पर भी पानी की सरप्राई को यकीनी बनाने के लिए आबरसानी के उद्योगदारों को साथ लेके दौरा किया गया। आज के इस दौरे में दबीपुरा कॉरपोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सुहेल खादरी साहब भी मेरे साथ है और बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल के लोग और मुकामी मौजूद हजरात भी यहाँ पर है। ये कदीम मजलिसी साथी हमारे साबिर भाई भी यहाँ पे एक अरसे दराज से काम करते हैं और उनकी भी शिकायत थी पानी की, उसको दूर करने के लिए दौरा किया गया। इंशाल्लाह साउथ जोन पुलिस की जानिब से एसएससी कामयाब तलबा और तालिबात के लिए कैरियर गाइडेंस की गर्ज से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी डीसीपी साउथ जोन वी सत्य नारायणा ने की। इस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, ज्वाइंट सीपी श्रीनिवास राव के अलावा के बाबू राव और दीगर ने खिताब किया और तलबा और तालिबात की रहनुमाई की। एसएससी मुकम्मल करने के बाद तलबा और तालिबात क्या करें, इस उन्वान से मुख्तलिफ काउंसलर्स ने तलबा और तालिबात की रहनुमाई की। एडिशनल डीसीपी के बाबू राव ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। इससे पहले 25 मिनट की तकरीर में 35 अहादीस बयान किए थे, 35 अहादीस बयान किए थे। बहरहाल मजहबी इल्म काफी है और न सिर्फ इल्म है बल्कि उस पर अमल भी है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए अलवर सिटी पुलिस और साउथ सिटी पुलिस को
सत्यनारायण साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ की तरफ से भी जो काम किया गया उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे तेलंगाना स्टेट साउथर्न के डिप्टी कमिश्नर साहब जिस अंदाज से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो लेना पड़ती है, लेकिन एक खेल के मैदान में, तालीम के मैदान में, हर मैदान में एक तालीमी शौशी की जा रही है। मुझे पता है कि पूरे तेलंगाना में साउथर्न को यह एहसास हासिल है, किसी और जून को यह एहसास हासिल नहीं है। और साउथर्न में भी ज्यादातर प्रोग्राम चार महीना रसम के अंदर में होते हैं, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। टीआरएस रुकन असेंबली ई दयाकर राव और दीगर ने सीनियर कांग्रेस कायद जयपाल रेड्डी की जानिब से कांग्रेस और तेलुगुदेशम से मफाहमत की बात पर तफसरा करते हुए चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो कायदीन बानी तेलुगुदेशम एनटी रामाराव की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क्यादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। टीआरएस रुकन असेंबली दयाकर राव और दीगर अराकीन ने असेंबली टी कृष्णा रेड्डी, कृष्णा राव, गोपीनाथ और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस कायद जयपाल रेड्डी की जानिब से कांग्रेस और तेलुगुदेशम में मुफाहमत की बात पर तबसरा किया और चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि इन कायदीन ने बानी तेलुगुदेशम एनटी रामाराव की रूह को तकलीफ पहुंचाई है। इन कायदीन ने वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की करने की बात कही। उन्होंने बताया कि 9 घंटे बरकी किसानों को और 24 घंटे बरकी आम शहरियों को दी जा रही है और टीआरएस हुकूमत ने इस सिलसिले में एक नई तारीख रकम की है। तेलुगुदेशम पार्टी विधानाल चुपे नव्वस्ता पक इलंगा रेवंत रेड्डी व्यवहार आड चंद्रबाबु गारी व्यवहार गानी अल्लंचि वैएसआर पार्टी नुंचि वच्चिन नायकुल व्यवहारालु गानी कांग्रेस पार्टी नुंचि वच्चिन व्यवहारल नायकुल आयन पक्कंबडि कूसबेट्टुकोनि एन्टी रामारावुनु तिट्टिनोळ्ळु एन्टी रामारावुनु राळ्ळेसिनोळ्ळनु आयन पक्ककु पेट्टुकोनि स्पीचेस इस्तुंटे बाधतोटि मेमु चेप्पडं जरुगुतुन्नदि। इंका मार्पु रावालि चंद्रबाबु गारि दग्गरनि कोरुकुंटुन्नां। इक मार्पु नीकु रादु, తెలంగాణ రాకుంటా కుట్రలు చేశావు, తెలంగాణ అభివృద్ధిని కుంటుబడే ప్రయత్నం చేశావు, అన్ని తిర్లా అడ్డుపడ్డావు, ఆఖరికి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో కూడా మెజార్టీ లేకున్నా ఎమ్మెల్యేలను కొని ఓట్లేసేందుకు నువ్వు ఒక ఏజెంట్ని పెట్టుకొని, గా రేవంత్ రెడ్డిని ఒక బ్రోకర్ని పెట్టుకొని రాజకీయం చేసింది తెలంగాణ ప్రజలు ఇన్సల్ట్ చేశారు. నీ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో బుద్ధి చెప్పారు, నువ్వు తిరగొద్దని చెప్పారు, వరంగల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లు చెప్పారు, ఖమ్మం కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లు చెప్పారు, అన్ని ఎలక్షన్లలో ఘోరమైన ఇన్సల్ట్ చేసినాక కూడా మీ దగ్గర మార్పు రాకపోతే ఎవడు బాగు చేస్తారు? ఇంకా సిగ్గు లేకుండా కాంగ్రెస్ తోటి కుమ్ముక్కు అవుతానంటారు. रमजान मुबारक के आगाज से कबल शहर की कई अहम मसाजिद में इंतजामात को खतियत दी गई है। इस सिलसिले के तहत शाही मस्जिद बागयामा में किए गए नज़्म का जायजा लेने की गर्ज से सेक्रेटरी महकुमे अखिलियती बहबूद उमर जलील और सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मस्जिद का मुकम्मल दौरा किया। वाज़ह रहे कि मुतालिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की नुमाइंदगी पर मस्जिद में मजीद 14 CCTV कैमरों की तंसीब अमल में लाई गई है। अलावाजी मस्जिद से मुतसिल नियाज खाने में खवातीन के लिए तरावी सुनने का एहतमाम भी किया गया है। पाकिस्तान की दिल की गहराइयों से गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे उमर जलील साहब मैनिटी वेलफेयर हम लोग सब की तरफ से जो है सब आलम इस्लाम को सबको मुबारक रमज़ान और सबको सलाम। और ये इंतजाम देखने के लिए उमर जलील साहब मैनिटी वेलफेयर सेक्रेटरी और हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से सब नमाज यहीं पर अदा किए हमारे पब्लिक गार्डन की मस्जिद में, शाही मस्जिद में, देखकर जो है ना खुशी हुई क्योंकि इंतजाम पूरे उमर जलील साहब की निगरानी में पूरे अच्छे इंतजाम हो रहे हैं
और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मुसल्लियों को कोई परेशानी नहीं होना, बल्कि लेडीज़ के लिए भी जो है ये साल से जो है ना खौतिन के लिए भी यहाँ पर एक हाल अच्छा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर भी कूलर्स वगैरह, पानी का, वजू खानों का इंतज़ाम भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है लेडीज़ को इधर भी इंतज़ाम रखे हैं लेडीज़ का भी, और पूरे बारिश के इंतज़ाम से बचने, बारिश से बचने के लिए वहाँ पर जो है ना पूरा प्लेटफार्म भी बनाया है, नीचे से पानी चले जाना और ऊपर मुसल्लियों को तकलीफ़ नहीं होना, बल्कि शाही मस्जिद में, बल्कि मक्का मस्जिद में भी कल हमारे मुफ्ती साहब दौरा करके वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पूरे अच्छे से अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर की तरफ से, रमज़ान के हर साल की तरह इस साल भी जो है बेहतरीन इंतजाम हो रहे हैं। और मुसल्लियों को और कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, और इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इलेक्ट्रिक भी कंटिन्यू खुली रहेगी। और वाटर का भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वाटर वर्क्स को फ़ोन करिए, टैंकर इमीडिएट आ जाती, अगर नहीं आने की सूरत में हमारे को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, हम भी उसको फॉलो करके पानी भिजाने का काम करेंगे, मस्जिदों करें। और जहाँ जहाँ भी GHMC की साफ़ सफाई का भी इंतजाम, CM साहब पूरों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं पूरे डिपार्टमेंटों को, ऑल डिपार्टमेंट्स को, कि मुसल्लियों को और रोज़दारों को कोई तकलीफ़ नहीं होना, ये रमज़ान का पुर जोश से जो ना खुशी से जो ना इसका मनाने का, इबादत करने का है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ना कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और एक दो दिन में अल्लाह चाहे तो बारिश भी पड़ने के अम्कानात है दो चार दिन में, और इंशाल्लाह थोड़ा रोज़दारों को भी थोड़ा राहत मिलेंगी। और अभी अल्लाह ताला जो है ना एक गर्मी की वजह से जो है ना रोज़दार परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला सबर देता है उसको ऑटोमेटिक। और इंतजाम जो है ना पूरी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से है, उसके साथ हम भी जो है ना उमर जलील साहब हम लोग सब मिलके जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है हम लोग इमीडिएट वहाँ जाके एक्शन लेंगे। कोई भी मस्जिदों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएट वक्फ़ को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, उमर जलील साहब को भी आके कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ इमीडिएट एक्शन लेंगे वहाँ पर सब मिलके, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की सहूलत होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से KCR साहब का भी इंस्ट्रक्शन है कि सब लोग। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रात हुई बारिश से गैर मामूली नुकसानात हुए हैं, जहां बाज़ मुकामात पर गाड़ियों पर बर्फ़ी पोल गिर गए, जबकि दरख्तों के गिरने की वजह से भी बर्फ़ी सरबराही मुतासिर हुई। नलगुंडे में भी बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मकानात की छतें उड़ गईं, और तेलंगाना के जोगुलांबा गदवाल ज़िले के हदूद में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके सबब कई दरख्त गिर गए। एरावली चौराहा जाने वाले रास्ते के 5 किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गईं, क्योंकि सड़क पर दरख्त और खंभे गिरे हुए थे। पुलिस ने JCB मशीनों की मदद से इन खंभों को वहां से हटाया, जबकि वनपर्ती ज़िले के आत्माकुर मंडल के बाला कृष्णापुर में भी बारिश के सबब बर्फी पोल गिर गए। ज़िले खम्भम में 1 घंटे तक बारिश हुई, तहम शहर हैदराबाद और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता रात बारिश के बावजूद आज के दिन दर्जे हरारत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखी गई। पिस्ता हाउस हैदराबाद हलीम इस मरतबा यूरोपियन यूनियन के तहत मुनक़िद होने वाले इवेंट थाईफेक्स 2017 में पेश की जाएगी। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद ने रमज़ान मुबारक में पेश की जाने वाली पिस्ता हाउस हलीम के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताएं। इस मौके पर पिस्ता हाउस डायरेक्टर अब्दुल मुहसी और अब्दुल मुहदीस भी मौजूद थे। GHMC में पिस्ता हाउस हलीम तकरीबन 225 से ज़ायद आउटलेट्स पर दस्तियाब रहेगी, जबकि मुल्क के दीगर अहम शहरों में भी ये दस्तियाब रहेगी। पिस्ता हाउस ने इस मरतबा iftarparty.com और स्विगी से मुआहदा भी किया है। अलावाज़ी मजलिसी अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मुहिद्दीन ने टोली चौकी की ब्रांच का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। और इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, वन प्लेट फैमिली पैक 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg तक हलीम आपको बल्क में भी हलीम मिलेगी आपको। उसका बल्क का जितना ज़्यादा बल्क होगा उसका रेट कम होते जाएगा। और पिस्ता हाउस की हलीम के लिए माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत भी रहे, और आप लोगों का सपोर्ट है जो पिस्ता हाउस पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है। और ये साल सबसे खुशी की बात यह है कि ये साल थाईफेक्स जो यूरोपियन यूनियन पिस्ता हाउस को इन्वाइट करा है, सिर्फ पूरे इंडिया से पिस्ता हाउस ही है जो बैंकॉक जा रही है, पूरा खर्चा उनका ही है, यूरोपियन यूनियन का खर्चा है, उस पर हम लोग जा रहे हैं।
और ये साल हमारा ये महीने में मासा टैंक में पिस्तौज में हमारे वसीम और उजैर भी वहाँ पर रहेंगे और अपने और 160 रुपये रहेंगे। हमारे ब्रांचेस 200 के ऊपर हैं। इसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई और कड़पा और विजयवाड़ा, इसमें हमारे लाइव किचन वहीं पर हलीम बन रही है। और अमेरिका में हमारे 6 जो खुद के पिस्ता हाउस के होटल्स है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, वर्जीनिया में और मिलपिटास सैन रोमन, वहाँ पर जो है वहाँ पर लाइव किचन और पूरा रेस्टोरेंट कम्प्लीट है। वहाँ पर अमेरिका में शहर का भी इंतज़ाम है हमारे पास और इफ्तार का भी, खाने का पूरा। राजेंद्र नगर पुलिस ने डकैती की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 रॉडी शेटर्स और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 24 साला मोहम्मद हाफिजुद्दीन, 25 साला शेख अब्बास, 24 साला मोहम्मद नायब खान और 26 साला अबू बकर बिन इब्राहिम गिरफ्तार शुदगार में शामिल हैं। मुलजिम नंबर 1 और 2 साइबराबाद के पुलिस स्टेशन मलाड़देवपल्ली के रॉडी शीटर्स हैं, जो कि पीडी एक्ट के तहत जेल भी काट चुके हैं। रमजान से कबल अपने दीगर 2 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने डकैती का मंसूबा बनाया था, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लंगरहाउस पुलिस ने एक बदनाम जमाना सारिख को गिरफ्तार करते हुए 31.5 तोले तिलाई जेवर और दीगर अशिया मालियती 12 लाख रुपये बरामद कर लिए। डीसीपी वेस्ट जोन के मुताबिक आर शंकर नायक मुतवतीन वनपर्ती को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कुशाईगुड़ा उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अलावा महबूब नगर रूलर और लंगरहाउस पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की कई वारदातें अंजाम दे चुका है, जबकि साल 2012 से ताहाल 75 केसेस में मुलविस पाया गया है। अलावाजी इस केस में चल्लापल्ली सेंट्रल जेल के वार्डन के सतीश को भी हिरासत में लिया गया, जो मसरूखा माल खरीदता था। शंकर नायक और उनको जो कोऑपरेट करके जो शेल्टर दिए सो आदमी सतीश, उन्होंने जेल का वार्डर है, उन्होंने दोनों को अरेस्ट करके उनके पोजिशन में 31 तुलास ऑफ गोल्ड ऑर्नमेंट्स, 2.5 लाख नेट कैश और एक स्कूटी व्हीकल और एक रॉड भी सीज करे थे और थोड़ा सेलफोन्स भी उनके पोजिशन में सीज करे। जो यू नो 2012 से उन्होंने ऑफेंसेस कर रहा था, वो पूरा 75 केसेस तक अभी तक करे। जो रिसेंटली उन्होंने पीडी एक्ट से जेल से रिलीज हुआ, उन्होंने बेसो साल पूरा 1 साल तक अभी पीडी एक्ट में जेल में थे। एसआर नगर सरूर नगर से उनको भिजाया था, जो रिसेंटली 4 तारीख को उन्होंने रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद थोड़ा दिन 1 वीक एक जेल वार्डर उनको फ्रेंड है, जो जेल में चरलापल्ली जेल में काम करे उस समय में उनको फ्रेंड हुआ था। वो समय में उनको बाहर आने के बाद उन्होंने शेल्टर दिए 1 वीक तक, जो इन्होंने रूम देखने के बाद उन्होंने उनका शेल्टर को निकल गए। वो समय में पूरा 10 केसेस उन्होंने करे थे, उसमें लंगर हाउस में 2 केसेस है, ऐसी महबूब नगर रूरल में भी 3 केसेस है, रायदुर्गम में भी 3 केसेस है, राजेंद्र नगर में भी 3 केसेस है। ऐसा 10 केसेस में पूरा जुमला 50 तुलास गोल्ड उन्होंने ऑर्नामेंट शेप में है वो थेफ्ट करे थे, उसमें 31 तुलास तक अभी इंटैक्ट प्रॉपर्टी भी रिकवरी करे थे। जो और 10 तुलास ये सतीश बोल के जेल वार्डर उन्होंने जाके करे वारंगल में भेजे थे, जो पैसे आया 2.5 लाख वो अमाउंट भी उनके पोजीशन में सीज करे थे। जो इनको कल रात में उन्होंने लंगर हाउस पुलिस उनको अरेस्ट करे, उसमें काम करे सो अच्छा काम करे सो एस आई अंजय है, इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर रघुनाथ है और उनका टीम है, अच्छा काम करे वो लोगों को भी स्पेशल रिवार्ड भी दे दे। नहीं
उन्होंने मेल्ट करके दिए, उन्होंने कहाँ भेजा है कि उनको क्या बोल के भेजा है कि भी अपने को डिटेल मालूम नहीं। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर उनका इंटेंशन वो थेफ्ट का प्रॉपर्टी करे सेल करे बोले तो लिए बोले तो जब उनके ऊपर एक्शन आता अभी उनको भी अरेस्ट करे ना। अभी एक अफेंडर, एक वार्डर जेल वार्डर सतीश पुल के नाम है, उनको जो शेल्टर दिए और उनको सपोर्ट करे एफएसएस में असिस्ट करे बोल के। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि वेटरनरी डायरेक्टर्स और दीगर स्टाफ के तखरुआत के लिए 2 जून के बाद हुकूमत की जानिब से जीओ जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके महकमे में दीगर मखलूआत जायदादों के तखरुआत का अमल भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। नायब सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी 1 जून को खसूसी तैयारे के जरिए 3:30 पर हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो कारों के काफिले के जरिए संगारेड्डी के लिए रवाना होंगे। संगारेड्डी में राहुल गांधी 1 घंटे तक R&B गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ वफूद और कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करने के बाद शाम 6:30 से 7:30 तक तेलंगाना प्रजा गर्जना को खिताब करेंगे और बाद अज़ां वो हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जोबलीज के इलाके में गुज़िश्ता रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई और ब्रेथ एनालाइजर्स के जरिए जांच के दौरान 13 अफराद में अल्कोहल की मकदार गैर मामूली तौर पर ज्यादा पाई गई। पुलिस ने 9 गाड़ियों और 4 बाइक्स को जब्त कर लिया, जबकि एक खातून भी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों में शामिल बताई गई है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमात भी दर्ज किए हैं। शहर के मुख्तलिफ एजुकेशनल अकेडमियों की जानिब से SSC इम्तहानात में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात की तकसीम और तहनियत पेश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत सराला बारकस में भी एक मुकामी अकेडमी की जानिब से SSC टॉपर्स को तहनियत पेश की गई। इस तहनियती तकरीब में MPTC अहमद कसादी, मिर्जा करीम बेग खादरी के अलावा डायरेक्टर ग्लोरी एजुकेशनल अकेडमी सैयद अजहर व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर जूनियर और डिग्री कॉलेज का आगाज भी किया गया। कई स्कूल्स के SSC टॉपर्स में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई और उन्हें तहनियत भी पेश की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। TRS पार्लिमानी कमेटी का इजलास, यौम तासीस तकरीब के सिलसिले में लिए गए मुख्तलिफ फैसले, वज़ीर KCR ने दी मुख्तलिफ हिदायत। मजलिसी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी का पत्थरगट्टी और दबीरपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकिफियत। लंगर हाउस पुलिस ने बदनाम जमानत सारिख को गिरफ्तार करते हुए 31.5 तोले तिलाई जेवर और दीगर अशिया मालियती 12 लाख रुपए बरामद कर लिए। चल्लापल्ली जेल वार्डन मसरूख माल खरीदने के इल्जाम में हुआ गिरफ्तार। राजेंद्र नगर पुलिस ने डकैती की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 रॉडी शीटर्स को किया गिरफ्तार।
नाजन रिव्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रिव्यू न्यूज़ यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रिव्यू न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।